रोजगार देने का वादा अब मोदी सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। इसी कड़ी में बाराबंकी में कांग्रेस नेता तनुज पुनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्र बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ पकोड़ा जेहाद की शुरुआत करते हुए पकोड़ा तल कर जनता को जागरूक करने की बात की है। बेरोजगार दिवस मना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप हालात आज देख ही रहे हैं कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर जो एक समय में 50,000-60,000 कमाते थे आज 5,000-5,000 के लाले हो गए हैं। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि युवा नौकरी लेके क्या करेंगे, पकौड़े तले, तो आज हम पकौड़े तल तल के सबको खिला रहे हैं। सारे हमारे युवा भाई बहनें यहाँ पे मिल करके और पकौड़े तल के लोगों को खिला रहे हैं और जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार युवाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रही है। पान की गुमटी खोलने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं अपना घर बेच दो, ऐसी ऐसी बातें जब सरकार ही कहेगी, हमारे गृहमंत्री कहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इनको जो है बिल्कुल परवाह नहीं है हमारे युवाओं की यहाँ पर, तो हिंदुस्तान की युवा कहाँ जाएगा। युवाओं ने ही इनको गद्दी में बिठाया है, इनको प्रधानमंत्री बनाया है, इनकी सरकार आई है और यही युवा इनको इस बार खदेड़ के बाहर करेगा अगर इन्होंने नौकरियों की व्यवस्था तुरंत नहीं की गई। निजीकरण जो शुरू किया है इन्होंने, कंपनियां बेच डाली, सारे PSUs बेच डाली, वो भी देख रहा है युवा कि किस स्पीड से हर कोई सरकारी संस्था बिक रही है यहाँ पर। तो ये सब जितनी इनकी गलत तरीके की नीतियाँ हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे इनका गलत GST हो, ये सारी नीतियों से साफ जाहिर है कि सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं।